बिग बॉस ओटीटी 2 अब आखिरी पड़ाव पर है। 5 कंटेस्टेंट फिनाले वीक में है। इसमें अल्विश यादव और अभिषेक मल्हान के बीच कड़ी टक्कर है। फिनाले वीक को रोचक बनाए रखने के लिए मेकर्स एक नया टास्क लेकर के आए हैं। बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को निर्देश दिया है कि एक दूसरे को रोस्ट करें। जाहिर है अभिषेक और अल्विश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों ने एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अभिषेक को लगता है कि वो इस ट्रॉफी के हकदार हैं। उन्होंने अल्विश को लेकर कहा था कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, तो वो उनको विनर के रूप में नहीं देखते। उनके इस कमेंट के बाद से ही अल्विश से दोस्ती में दरार पड़ गई। अभिषेक ने कहा, अल्विश कल आपने पॉडकास्ट में बोला कि आप डिजर्विंग हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप डिजर्विंग हैं, पर विनर बनने के लिए नहीं, रनर अप बनने के लिए। जैसे ही आप घर में एंटर हुए, मुझे पता है कि आप बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लेकर आए हो। आपको लगता है कि आप इस सीजन को जीतने आए हो, लेकिन आखिर में कहना चाहता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद अल्विश ने रोस्ट करते हुए कहा, अभिषेक एक बात को इतना ज्यादा रिपीट करता है कि उतना ज्यादा तो टीवी वाले सूर्यवंशम भी रिपीट नहीं करते। अभिषेक में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि बाहर से भी शो को देख रहा होता है तो कहता है, डिजर्विंग तो मैं था, ट्रॉफी इसे क्यों दे दी। अभिषेक ने बाहर बहुत चीजें की हैं। वो यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, किसी का भाई किसी का बेटा है, और अब तो ओटीटी सीजन 2 का रनर अप भी है। तो दोस्तों, क्या अल्विश यादव बिग बॉस के विनर बन पाएंगे या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिग बॉस ओटीटी 2 सीजन 2 की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।